वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन में हम घी डालेंगे। घी मैंने आधी कटोरी ली है। उससे कम मैंने उसका हाफ हिस्सा मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल। अब इसमें मैं डालूंगी वही वाली दो कटोरी बेसन की। मैंने इसको अच्छी तरह से भूनना है। इसका बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, यानी कि इसको ब्राउन नहीं करना। हम इसको अच्छे तरह से ऐसे मैश करके साथ साथ के, ताकि इसमें जो गिल्टियाँ बनी है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। वैसे करके इसको पूरा अच्छे तरह से हिलाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए और इसमें से एक बेसन की खुशबू सी आने लग जाए, तब ये बनके तैयार हो गया है। अब हम एक साइड पे बनाएंगे चाशनी। इसके लिए मैंने वही कटोरी यूज़ की है। उसके एक कटोरी चीनी की डालेंगे और चीनी का चौथा हिस्सा पानी डालेंगे। अब मैं इसमें कुछ डालूंगी इलायची के दाने। हमने कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। अब इसमें मैं डालूंगी येलो कलर, खाने वाला कलर। अब जो हमने चाशनी बनाई है वो बेसन के मिक्सचर में डाल देंगे और हलाते रहना है ताकि इसमें गिल्टियाँ ना डलें। तब तक हिलाना है जब तक बेसन कढ़ाही ना छोड़ दे और कढ़ाही से अलग हो जाए। अब बेसन कढ़ाही से अलग हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो आप बाद में इससे गार्निश भी कर सकते हैं। अब एक थाली को ऑयल से कोट करूंगी। अब हम इसमें डालेंगे बेसन का मिक्सचर। तो अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। मिक्सचर मेरा थोड़ा था इसलिए मैंने इसको थाली के हाफ हिस्से में ही किया है। अब इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। चम्मच पे थोड़ा सा घी लगा के आप उसको ऐसे फ्लैट कर सकते हैं।
मैं इसको ऊपर से भी गार्निश करूंगी थोड़े से बादाम और पिस्ता के साथ। अब हम इसको सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 1 घंटे बाद हमारी रेडी है बेसन की बर्फी। ये बहुत ही सॉफ्ट बनी थी, मैं इसको काट के दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारी रेडी है बेसन की बर्फी। बनाइए और खा के बताइए कि कैसी बनी थी।